विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है, अब मेरे द्वारा हिंदू लॉ पर भी वीडियो लेक्चर बनाकर अपलोड किए जा रहे हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो पार्ट 4 है, और हिंदू लॉ पर आज का मेरा वीडियो लेक्चर का जो सब्जेक्ट है वो है कस्टम्स। व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू कस्टम, डिफाइन इट्स काइंड्स एंड ऑल ऑफ द एलिमेंट्स। प्रथा से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों को समझाते हुए सभी आवश्यक तत्वों को भी बताइए। जैसा कि मैंने यहां लिख रखा है, आप देख रहे होंगे, डिफाइन द कस्टम्स एंड इट्स काइंड्स विथ ऑल एलिमेंट्स। कस्टम्स को डिफाइन करते हुए उसके सभी काइंड्स को बताना है और उसके एलिमेंट्स को। यानी कस्टम्स यानी प्रथा किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है और उसके आवश्यक तत्व तो क्या है। नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ कस्टम्स, प्रथा की परिभाषा। काइंड्स ऑफ कस्टम्स यानी प्रथा के प्रकार। लोकल कस्टम्स यानी स्थानीय प्रथा। क्लास डिवाइड्स कस्टम यानी वर्ग विशेष से संबंधित प्रथा। फैमिली कस्टम्स पारिवारिक प्रथा। एलिमेंट्स ऑफ कस्टम्स प्रथा के आवश्यक तत्व। एंटीक्विटी प्राचीनता। कंटिन्यूटी निरंतरता। एस्टेबलाइजमेंट यानी कि स्थापना। रीजनेबिलिटी युक्तियुक्तता। नॉट टू बी अपोज्ड टू मोरलिटी एंड पब्लिक पॉलिसी एंड द लॉ। नैतिकता लोकनीति और विधि के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ऑनस ऑफ प्रूफ प्रमाण का भार। तो वन बाय वन करके अब हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। नंबर फर्स्ट पर है डेफिनेशन ऑफ कस्टम्स। व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू कस्टम्स, कस्टम्स किसे कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। प्रथा से तात्पर्य भिन्न भिन्न जगह पर अलग अलग तरीके से बताया है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि प्रथाएं सभी स्थानों पर एक जैसी हों या किसी निश्चित स्थान पर अलग हो सकती है या भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रथाएं भी भिन्न भिन्न हो सकती हैं। प्रथाओं से तात्पर्य है कुछ ऐसा संस्कार, कुछ ऐसे रीति रिवाज, कुछ ऐसे कार्यक्रम जो कि किसी परिवार विशेष में, वर्ग विशेष में या स्थान विशेष में काफी लंबे समय से चले आ रहे हैं। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने के कारण एक प्रथा मध्य प्रदेश में प्रचलित, जो कि शायद आपकी जानकारी में नहीं हो, आज बता देता हूं। मध्य प्रदेश में जहां प्रोविशन रिलेशन नहीं होते हैं, यानी कि प्रतिसिद्ध नातेदारी नहीं होती है, वहीं उसी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का एक जिला है रतलाम, जहां प्रतिसिद्ध नातेदारी किया जाना कोई विधि विरुद्ध नहीं माना जाता है, ना ही लोक नीति के विरुद्ध माना जाता है, ना रीति रिवाजों के विरुद्ध। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी एक परिवार से लड़की और किसी दूसरे परिवार से लड़का, इन दोनों का विवाह अगर कर दिया जाता है, तो जिस परिवार से लड़का यानी वर आया है और जिस परिवार से वधू आई है, इन दोनों परिवारों में अगर वर के परिवार से कोई लड़की और वधू के परिवार से कोई वर विवाह करना चाहे तो नहीं होगा। बात समझ रहे हैं, यानी जिस परिवार से लड़का है उस परिवार से अगर कोई अपनी लड़की का विवाह बहू के भाई के साथ करना चाहे तो ऐसा हमारे क्षेत्र में प्रचलन में नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में प्रचलन में नहीं है, लेकिन उसी मध्य प्रदेश के जिले रतलाम में ऐसा प्रचलन में है। तो प्रथाओं से तात्पर्य है कुछ ऐसे रीति रिवाज जो किसी वर्ग विशेष, परिवार विशेष या स्थान पर लंबे समय से चले आ रहे हैं, उसे हम प्रथाएं कहते हैं। काइंड्स ऑफ कस्टम्स, तीन तरह की प्रथाएं मैंने यहां बताई हैं, लोकल कस्टम्स, क्लास डिवाइड कस्टम और फैमिली कस्टम्स। लोकन यानी कि स्थानीय प्रथाएं।
स्थानीय प्रथाओं से तात्पर्य विद्यार्थियों उन प्रथाओं से है जो प्रथाएं किसी वर्ग विशेष या व्यापार विशेष से जुड़ी हुई होती है। जैसे कि स्थानीय प्रथा में एक देखने में एक बात दैनिक जीवन में आती है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में हमें लोकल बस मिलती है तो तुरंत हम उसमें चढ़ जाते हैं, किराया नहीं पूछते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है, जाहिर सी जानकारी है कि यहां से बैठेंगे और वहां उतरेंगे तो लगभग इतना किराया लगेगा, लोकल प्रथा है। अगर इसमें विवाद उत्पन्न हो कि आपने पूछा क्यों नहीं, या हम कहें कि आपने बताया क्यों नहीं, तो वो कहेगा सबको पता है यहां से वहां तक के 10 रुपए लगते हैं, इसलिए मैंने बताया नहीं। और अगर आपसे ज्यादा किराया लिया जाता है तो आप भी यही कहेंगे कि मैंने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि यहां से वहां तक हम डेली जाते हैं, डेली आते हैं और 10 ही रुपए लगते हैं। तो कुछ लोकल प्रथाएं होती हैं, क्लास डिवाइस प्रथाएं, कुछ वर्ग विशेष में पाई जाने वाली प्रथाएं। जैसे कि मान लीजिए मध्य प्रदेश में जब वधु का आगमन घर में होता है तो वधु के आगमन पर घर की चौखट पर एक थाली में सिंदूर घोरकर बहू से कहा जाता है कि अब आप इसमें पैर रखेंगे और पैर रखकर आगे जाएंगे। ये माना जाता है कि आज हमारे घर में वधु का आगमन नहीं है बल्कि एक लक्ष्मी का आगमन है। लेकिन यही प्रथा अगर हम राजस्थान में जाकर देखते हैं, गुजरात में जाके देखते हैं तो अलग है। राजस्थान में आप अगर जाकर देखते हैं तो वहां आपको अलग मिलेगा। वहां जब वधू का आगमन होता है तो आगमन होते समय दरवाजे पर यानी जो मकान है, जो घर है, उसकी दहलीज पर एक पशु की बलि दी जाती है और उससे जो रक्त वहां इकट्ठा होता है उस रक्त में पैर रखकर वधू अंदर प्रवेश करती है। तो भाग्य की विडंबना है, हो सकता है आपको अलग लगे, लेकिन अलग अलग स्थानों पर पाई जाने वाली अलग अलग प्रथाएं हैं। तो वर्ग विशेष से संबंधित प्रथाएं, फैमिली कस्टम्स, भिन्न भिन्न परिवारों में कुछ प्रथाएं पाई जाती हैं, वो कुछ परिवारों तक ही सीमित रहती हैं। जैसे कि किसी परिवार में एक प्रचलन है कि विवाह जब होगा तो विवाह से पहले वधु वर को और वर वधु को देखने जाएगा, कुछ परिवार में ऐसा प्रचलन नहीं है। तो इस तरह अगर हम प्रथाओं की बात करें तो प्रथाएं 3 प्रकार की हैं, स्थानीय, वर्ग विशेष से संबंधित और परिवार से संबंधित। अब हम बात करते हैं आवश्यक तत्वों की। आवश्यक तत्वों में नंबर फर्स्ट एंटीक्विटी, यानी कि निश्चितता होना चाहिए प्रथा में। प्रथा निश्चित प्रकार की हो, उसमें कोई असमंजस या कहीं कोई शंका नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूटी, जिस प्रथा का उपयोग किया जा रहा है वह प्रथा लगातार काफी समय से उपयोग में आ रही हो। थर्ड एस्टेबलाइजमेंट, स्थापना, लगभग 20 वर्षों से अधिक पुरानी प्रथा होना चाहिए जब उसे हम विधिक मानेंगे। रीजनेबलनेस, जिस प्रथा की हम बात कर रहे हैं अगर निरंतरता है, निश्चितता है, युक्तियुक्तता है तो वह प्रथा युक्तियुक्त होना चाहिए। यानी कि जब किसी व्यक्ति से ये कहा जाए कि ये प्रथा है तो उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, युक्तियुक्त होना चाहिए। नॉट टू बी अपोज टू मोरलिटी, पब्लिक पॉलिसी एंड लॉ। कोई भी प्रथा स्थानीय हो, परिवार विशेष की हो या वर्ग विशेष की हो, किसी भी प्रकार की प्रथा हो, उस प्रथा को लोक नीति, नैतिकता और विधि के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ऑनर्स ऑफ प्रूफ, सदैव याद रखें विद्यार्थियों, अगर आप किसी प्रथा के आधार पर कानून के तहत कोई लाभ लेना चाहते हैं तो ये प्रथा जिसकी आप बात कर रहे हैं उसे प्रमाणित करने का भार उस व्यक्ति के ऊपर होगा जो इस प्रथा से किसी कानून के तहत लाभ लेना चाहता है। यानी ये सभी एलिमेंट्स उसमें होना चाहिए और ये प्रमाणित करने का भार उसी व्यक्ति के ऊपर जाएगा जो कि लाभ लेना चाहता है। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आगे भी आपको मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।